वो भी लिया ना क्या? बड़ी वाली बैटरी लाइट फायदा है। एक मिनट बिन बोले ले, वो बिन रिकॉर्ड तो बनने दो, फायदा नहीं होगा रिकॉर्ड करने का। बैक कर देना, वाह मुझे एक 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 मिनट बाद आ जाएंगे फिर। आज जब तक ये कट करते रहे, जब तक ये दिखाते रहे, टिकट पढ़वाते रहे, पाकिस्तान की तरफ से भी यौम आज़ादी के मौके पर कराची के साहिल पर रंगारंग तकरीब मुनक्कद की जा रही है। तुर्की से स्पेशल ग्रुप है जो कराची पहुंचा है, और जैसे भी यौम आज़ादी के हवाले से 250 से ज्यादा ड्रोन कैमरों की मदद से कराची के साहिल समंदर की फिजा में आसमान के ऊपर ड्रोन कैमरों की मदद से कायदे आजम पाकिस्तान का सरदारी परचम, और इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तानी व्यक्ति की जो तस्वीर हैं जो मकामात में हैं उनकी तस्वीरें ड्रोन कैमरों की मदद से बनाई जा रही हैं। इंतहाई हसीन जो मनाजिर है वो नाजीन इस 21 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 250 से ज्यादा कैमरे हैं जिसकी मदद से कराची में बल्कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ड्रोन कैमरों की मदद से ये शो मुनक्कद किया जा रहा है। स्पेशल ग्रुप है जो तुर्की से आए हैं नौजवानों का, और जिसने आज़ादी के मौके पर तकरीब मुनक्कद करने के लिए ये तमाम तकरीबात मुनक्कद की जा रही है। पहली मरतबा पाकिस्तान के किसी भी शहर में ये तकरीब मुनक्कद की जा रही है, जो ड्रोन कैमरों की मदद से फिजा में तस्वीर जो है कैमरों की मदद से बनाई जा रही है। तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। 250 कैमरों की मदद से ये तकरीब जो है मुनक्कद की जा रही है। अक्सर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान का तब जिलानी परचम जो है उसकी तस्वीर बनाई गई है, जिसको तकरीबन 10-15 मिनट तक जारी रहेगा। जो मुंतजमीन है जी मैं कैमरे के आगे आ गया हूँ,